आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिश हमारे साथ हैं। मैम, क्या टारगेट रखा आप लोगों ने कि आज कितनी भीड़ जुटा के अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा? केवल आम आदमी पार्टी नहीं, आज तो सारी विपक्षी पार्टियां आपने यहां पर न्योत रखी हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये दिल्ली के लोगों का शक्ति प्रदर्शन है। आज जो लोग रामलीला मैदान में आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आज आम दिल्ली वाले सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि उनमें अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश है। उन्हें पता है कि पिछले 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है, चाहे उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देके, चाहे उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख के, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाके, चाहे महिलाओं को बस यात्रा देके। आज दिल्ली वालों को लग रहा है कि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल पर हमला हो रहा है। और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि जब हमें ज़रूरत थी तो केजरीवाल हमारे साथ खड़ा था, आज केजरीवाल को ज़रूरत है तो हम उसके साथ खड़े होंगे और तभी इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के रिश्ते बहुत ख़राब रहे, और इससे पहले हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने जब ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर समर्थन मांगा तो राहुल गांधी मिले भी नहीं, ये स्थिति रही। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि पहले से ऐलान किया जा रहा है कि राहुल गांधी भी आएंगे यहाँ पर, सोनिया गांधी भी आएंगे, तो ये किस तरह से आप लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कैसे बनी आप लोगों? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ, क्योंकि आप देखिए कि चुनाव की घोषणा के बाद आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेते हैं, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा। इससे पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, इतने दिनों से आम आदमी पार्टी का ऑफिस बैरिकेड करके सील कर दिया है। अगर आप विपक्ष की पार्टियों को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो क्या लोकतंत्र बचा इस देश में? तो भारत भी उन तानाशाहियों की तरह हो जाएगा जहाँ पे एक आदमी चुनाव लड़ता है, 99% वोट पाता है और उसके बाद कहता है कि जी मैं लोकप्रिय और लोकतांत्रिक नेता हूँ। तो आज भारत में हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियाँ इकट्ठे आई। रामलीला मैदान से अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार तिवारी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।